अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं किरण नाज। आप देख रहे हैं YouTube पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दो इश्यूज हैं जिस पर आज मैंने बात करनी है। पहला तो अब खान साहब की आज पेशी थी, फर्द जुर्म उन पर आयद होनी थी ताहीन अदालत केस में, उस पर मैंने छोटी सी बात करी है क्योंकि ऑब्वियसली सुबह का वो केस था एंड बहुत मुख्तसर सी कार्रवाई थी। 2:30 बजे उसका आगाज हुआ और 2:45 बजे वो अपने अख्ताम को पहुंच गई थी क्योंकि इमरान खान साहब रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने जो भी बात की, इस पर मैंने बात करनी है। सेकेंडली ये कि एंजेलिना जूली वो पाकिस्तान आई, उन्होंने यहाँ पर आकर जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं 3.3 करोड़ से ज़्यादा, उनको देखा और उसके बाद जिस तकलीफ़ का उन्होंने खुद उसको महसूस किया और उसका एहसास दिलाने की कोशिश की, इन दो टॉपिक्स पर मैंने बात करनी है। तो पहले वाले ज़रा केस पर बात कर लेते हैं खान साहब के हवाले से। आज जी फर्द जुर्म इमरान खान साहब के ऊपर आयद होनी थी क्योंकि तौहीन अदालत का मामला था। इमरान खान साहब ने F9 पार्क इस्लामाबाद में जब खिताब किया था, जब बात कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने जो जज साहिबा थी उनके हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की थी, उनका नाम लेकर जिस तरह की धमकी उन्होंने लगाई थी, एक वो और दूसरा आईजी साहब के बारे में जो उन्होंने बात की थी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, जो कि अदालत ने जिसका नोटिस लिया था, वो था खातून जज के बारे में, ज़ेबा चौधरी साहिबा के बारे में जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा था उस पर नोटिस लिया गया था। पहली जब उनको नोटिस दिया गया और जो जवाब जमा करवाया गया उससे अदालत मुतमईन नहीं हुई, फिर उनको एक मौका और दिया गया, एक हफ्ते का टाइम दिया गया, जिसके बाद उन्होंने दूसरा जवाब जो है वो जमा करवाया, उससे भी अदालत मुतमईन नहीं हुई। जो 5 रुकनी बेंच था वो मुतमईन नहीं हुआ और उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म की डेट दे दी कि 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। उस वाली पेशी में भी, हेयरिंग में भी इमरान खान साहब ये चाहते रहे कि उनको रोस्ट्रम पर आकर बात करने का मौका दिया जाए, इजाज़त दी जाए, लेकिन वकला बात करते रहे। जो अदालत के मुआवनीन हैं उन्होंने बात की, अपने दलाइल दिए, इमरान खान साहब के वकला ने दलाइल दिए और फिर उसके बाद वो वाली पिछली समाअत 22 सितंबर तक के लिए मुलतवी की गई। आज जब वो समाअत थी और ऐसा मुमकिन तौर पर लग रहा था कि शायद इमरान खान साहब के ऊपर आज फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, तो जैसे ही अदालत की कार्रवाई का आगाज हुआ है, इमरान खान साहब के वकील जो हैं हामिद खान साहब, वो खड़े हुए थे रोस्ट्रम पर, तो वहाँ इमरान खान साहब की जानिब से सदा की गई कि वो कुछ बात करना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब आए रोस्ट्रम पर और उन्होंने कहा कि जी अगर अदालत को ऐसा महसूस हुआ है कि उनसे गलती हुई है तो वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। वो ज़ेबा चौधरी साहिबा से, जज साहिबा से ज़ाती हैसियत में पेश होकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर रजामंदी का इजहार किया, जिस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि हम भी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करना चाहते और आपका ये जो कदम है, ये स्टेप है, ये खुशाइंद है, तो इसकी जो है मजीद कार्रवाई वो 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और 3 अक्टूबर को ही ये पता चलेगा कि आया इमरान खान साहब की जो अपॉलोजी है उसको एक्सेप्ट किया गया है या फर्द जुर्म इमरान खान साहब के ऊपर आयद की जाएगी। अच्छा जी, लास्ट वाले जो पिछली हियरिंग थी उसमें ये डिसाइड हुआ था कि तीन तरह की जो मौजिज अदालत ने, जज साहिबान ने बताया था कि 3 तरह की तौहीन होती है, जुडिशल, सिविल एंड क्रिमिनल, और इमरान खान साहब का जो ऑफेंस था वो सबसे हैवी वाला था, यानी क्रिमिनल ऑफेंस था उनका, क्रिमिनल जो है वो तौहीन थी, तो उसको लेकर आगे बढ़ना है अदालत ने। खान साहब की तरफ से माफ़ी की रजामंदी का इजहार किया गया है और उसके बाद उन्होंने एफिडेविट भी अपना जमा करवा दिया, जिसका अदालत ने कहा था कि आप इसको एक लिख कर दीजिए जो आप कहना चाहते हैं। तो फिर अभी कुछ देर पहले वो एफिडेविट भी सामने आया है जिस पर इमरान खान साहब ने गालिबन कुछ एंकर हजरात ने, गालिबन तलत हुसैन साहब ने उसे ट्वीट किया था, जहां पर वो माफ़ी का तस्करा किया गया है या मजीद उसमें अभी जमा करवाना है फर्दर। मकसद जो बात है वो ये है कि डे फर्स्ट से यही बात की जा रही थी कि इदारों से, स्पेशली अदालतों से, अदलिया का एक एहतराम है, मौजिज़ जज साहिबान हैं, अदालतों का एहतराम मलहूज़े खातिर होना चाहिए हर जगह पर। और तमाम लोगों की तरफ से यही एक इमरान खान साहब के लिए मशवरा था कि उनको अनकंडीशनल अपॉलोजी कर लेनी चाहिए, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे पॉलिटिशियन का जिसमें कोई इस बात में दो राय नहीं है, मैं बारहा ये बात करती हूँ कि इमरान खान साहब का इस वक्त एक पॉलिटिकल कद है, वो कदावर शख्सियत हैं, सबसे ज़्यादा उनकी फॉलोइंग है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं इस वक्त पाकिस्तान में, तो किसी भी पॉलिटिशियन की इस तरह से सियासत
खत्म नहीं होनी चाहिए, उनको भी माफी मांग लेनी चाहिए और अदालत को भी माफ कर देना चाहिए। और अदालत की जानिब से भी आज कुछ इसी तरह के रिमार्क्स भी सामने आए कि हम भी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करना चाहते। लेकिन इमरान खान साहब ने ये एक अच्छा स्टेप लिया, अब इसे आप सियासी मजबूरी उनकी समझिए या उनकी नेक नियति समझिए कि उन्होंने ये स्टेप जो उनको पहले ले लेना चाहिए था पिछली दो पेशियों में, यानी पहली पेशी में ही जो स्टेप उनको ले लेना चाहिए था वो फाइनली उन्होंने थर्ड पेशी पर, तीसरी पेशी पर आकर उन्होंने डिसाइड किया है। अच्छा, दूसरी तरफ एक तरफ इमरान खान साहब का एक अच्छा जेस्चर दिखाई देता है अदालत से, वो माफी मांग रहे हैं। अब यहां पर एक और भी बात है, अनकंडीशनल अपॉलोजी की बात होती है और उसके बाद फिर आप अपने आप को अदालत के रहम गरम पर छोड़ देते हैं कि अदालत क्या डिसाइड करती है, आया अदालत उस पर कार्रवाई करती है या आपकी माफी को कबूल करती है। लेकिन यहां पर एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तरफ इमरान खान साहब एक बहुत अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया, गए जाकर उन्होंने अपनी माफी के बारे में बात की कि उस पर रजामंदी का इजहार कर रहे हैं, वो भी अनकंडीशनल नहीं है बाय द वे, वो कह रहे हैं कि अगर अदालत को ऐसा महसूस हुआ है और मुझे पिछली दो पेशियों में ऐसा लगा कि जी अदालत चाहती है कि उनसे माफी मांगी जाए तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, तो ये गैर मशरूत माफी नहीं हुई, ये उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि जी मैं माफी मांगने के लिए, मुझसे गलती हो गई मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि जी अदालत को अगर ऐसा लगता है तो फिर मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। ये आज की कार्रवाई, लेकिन कल इमरान खान साहब जिस तरह से फिर उन्होंने तकरीर की और जिस तरह से फिर उन्होंने इदारों को पर बात करने की कोशिश की, उन्होंने जिस तरह का नैरेटिव लेकर चले वो, और फिर अब सैटरडे के हवाले से हफ्ते वाले दिन के लिए वो कह रहे हैं कि वो निकलेंगे सड़कों पर और इस बार मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे। पाकिस्तान इस तरह के किसी भी हालात का मुतहम्मिल नहीं है। वजीर दाखिला चाहे ये बात कहें कि रबड़ की गोलियां तैयार हैं और जी आंसू गैस की शैलिंग भी और ड्रोन भी आए, उनको एक मुख्तलिफ किस्म की धुनी दी जाएगी इस बार। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम पूरी तरह तैयारी के साथ आ रहे हैं और वजीर दाखिला को इस बार छुपने का मौका नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। तो ये टकराव की कैफियत नहीं होनी चाहिए। जो लोग आ रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, जो आएंगे वो भी पाकिस्तानी हैं और जो उनको काउंटर करेंगे, जो उनको रोकेंगे वो भी पाकिस्तानी हैं। हम तमाम लोग पाकिस्तानी हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने अपने नैरेटिव में अपने अपने मुताबिक दुरुस्त होता है। तो इमरान खान साहब अगर समझते हैं कि वो हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो खान साहब ये ना करें, सड़कों पर ना करें इस तरह से। आपने खुद हुकूमत की है, आपको खुद इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि मुल्क ऐसे सिचुएशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ना उसे करना चाहिए। और यही रिक्वेस्ट वजीर दाखिला से भी है कि वो भी ऐसे मौका ना पैदा करें या ऐसे सिचुएशन को ना बनाएं कि जिसकी वजह से मजीद एक सिंपथी वोट जो है अवाम की सिंपथी इमरान खान साहब की तरफ चली जाए। और इमरान खान साहब प्लीज आपका जो भी टारगेट है आप उसको अचीव करने के लिए जो आप कर रहे हैं इससे मजीद ऊपर ना जाएं, क्योंकि अब आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि अभी तक आपका वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा। और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, क्योंकि बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं कि इमरान खान जो है वो हक और सच की राह पर है, लेकिन अब बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये समझ आना शुरू हो गया है। और एक वक्त तक मैं भी यही समझती रही हूँ और मुझे भी यही लगता रहा है कि इमरान खान साहब जो है ही इज़ द राइट पर्सन पाकिस्तान को सर्व करने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। बट अब जाके अब कभी कभी लोगों को लगता है कि शायद मैं बहुत हार्श हो जाती हूँ, तनकीद होती है, तो वो इसी वजह से होती है कि दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची है। जब इमरान खान साहब का अपना इक्तदार का दौर था तो उस वक्त भी उन्होंने होल हार्टेडली वो सब कुछ नहीं किया जिसका नैरेटिव वो लेकर चले थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी 26 साल जद्दोजहद की उस पर उन्होंने काम नहीं किया। और जब वो अब चले गए तो अब भी ये चाहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट के लोग आएं और वो उनको कंधों पर बिठाएं और कंधों पर बिठा कर उनके साथ जो है वो उसी तरह से उनके लाड उठाए जाएं जैसे पहले उनके लाड उठाए गए हैं। और जब उनको नहीं नजर आ रहा कि इस बार इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही, वो कह रही है कि जी ओपन फील्ड है जी, आप खुद खेलें और खुद अचीव करें, तो फिर आप मुसलसल उनको टारगेट करें। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अगर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पाकिस्तानी आवाम को ये बात बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज होगी, समझ आएगी। अभी तो जो आपके फॉलोवर्स हैं वो डिफेंड करते हैं आपको, आप जो भी यू टर्न लेते हैं उसको डिफेंड करते हैं कि आज से कल तक था कि डट के खड़ा है कप्तान, माफी नहीं मांगेगा खान। फवाद चौधरी साहब हो गए, उनकी लीगल टीम हो गई, सारे के सारे लोग, खान साहब माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन फिर फाइनली क्या हुआ, आज अदालत में खड़े हुए और आज खड़े होते ही उन्होंने ये कहा कि मैं अगर अदालत को ऐसा लगता है मैंने गलत किया तो मैं माफी मांगता हूं। तो कल भी लोग कह रहे थे कि जी नहीं खान तो माफी नहीं मांगेगा, और आज भी लोग कह रहे हैं क्या खान ने गलत किया है।
तो इमरान खान साहब की जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगा। अगर ये वाकईतन हकीकी आज़ादी होती और वाकईतन इमरान खान साहब ये पाकिस्तानियों के लिए लड़ रहे होते तो सफ़े अव्वल में मैं उनके साथ खड़ी होती, मैं उसी तरह से उनको सपोर्ट करती जैसे उससे पहले भी मैं करती रही हूँ। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, मेरे प्रोग्राम सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स मौजूद हैं जिसपे इमरान खान साहब ने जो कुछ अच्छा किया उसकी मैं मोतरफ रही हूँ और आज तक हूँ। अक्वामे मुत्तहिदा में जो उन्होंने किया मैं उसकी आज तक मोतरफ हूँ। जिस तरह से उन्होंने बात की, जो मुसलमानों का उन्होंने एक अपना बयानिया सामने रखा, मुसलमानों के का मुकदमा उन्होंने लड़ा, उसमें कोई शक नहीं है, वो काबिल तारीफ अमल था, है और रहेगा। लेकिन जो अभी वो कर रहे हैं वो काबिल तारीफ अमल नहीं है। खान साहब पाकिस्तानियों को ये ग्रेजुअली बात, पाकिस्तानियों को तो समझ है लेकिन ऑब्वियसली एक जो मोहब्बत होती है, जो फॉलोअर्स की मोहब्बत होती है, वो फिर जो उनका लीडर कह रहा होता है उसको वो दुरुस्त मान रहे होते हैं। तो अभी यही सब कुछ चल रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ जाएगा कि ये हकीकी आज़ादी नहीं है बल्कि ये अपना इकतदार है जो कि चला गया है, जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप उसके लिए लड़ रहे हैं। मेरी हुकूमत से भी और इमरान खान साहब से भी, दोनों से ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ पाकिस्तान इस वक्त इस बुरे हालात का सामना कर रहा है, डॉलर का रेट 240 पे चला गया है, पेट्रोल मजीद रेज कर गया है, 237 रुपए का पेट्रोल हो गया है, बिजली के बिल्स कहाँ पर हैं, महंगाई इन्फ्लेशन रेट कहाँ चला गया है। तो हम तो इस वक्त बड़े बुरे हालात का सामना कर रहे हैं, इस वक्त एक मुकम्मल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अगर आप पाकिस्तान से वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप बजाय इसके के स्टेज पकड़ के आप बार बार ये कहेंगे जी मेरा इक्तदार वापस लाओ, इलेक्शन करवाओ, आप मौजूदा हुकूमत को मशवरा दें, आप उनको बताएं कि जी इस वक्त क्या दुरुस्त काम है, क्या दुरुस्त चीज़ है जो करनी चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि प्लान आपके पास भी नहीं है और बैड लक ये कि जो हुकूमत नारे लगाकर आई महंगाई मुकाओ के, उनके पास भी कुछ नहीं है, उनके पास भी कोई रोड मैप नहीं है। इसी वजह से उन्होंने जो है ना तराई निकाल दिया है, इस वक्त बुरा हाल कर दिया है। जो कुछ इमरान खान साहब कर रहे थे आप अपनी हुकूमत में, बल्कि आपके लिए तो ये बहुत अच्छा हो गया, आप एक एग्रेशन में हैं इस वक्त, आप इसको उसको उसको मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि जी अमेरिका ने आपके साथ ये कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट में हमने आपके साथ ये कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने, जो अपोजिशन थी, अपोजिशन ने एक आईनी और कानूनी अमल करके आपको जो निकाला इक्तदार से और खुद उन्होंने इक्तदार संभाला, तो उन्होंने तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा कर दिया। वो सारी सलावातें, वो सारी लानतें जो आपको पड़ी थी आज से 4 महीने पहले, वो सारी की सारी उन्होंने अपने गले में ले ली हैं और आप जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन लीडर बन गए, तो आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए। एनीवे जी, दोनों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ मौजूदा हुकूमत भी और मौजूदा हुकूमत भी सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने के चक्कर में और अपने केसेस ख़त्म करवाने को ही ये ना समझे कि जी अब वाकई बेहतरी आ रही है, बल्कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करें। और इमरान खान साहब, आप इक्तदार के लिए नहीं सर, पाकिस्तान के लिए कुछ करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अगर आप स्टेट संभाल रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते हैं तो सब बेहतरीन, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने इख्तदार के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ है। बहुत सारी बात इस पर हो गई है। दूसरा टॉपिक मैंने आज का रखा हुआ था एंजेलिना जोली, वो पाकिस्तान आई है। मैंने जो अभी एक बड़ा ब्रेक लिया था अपने यूट्यूब चैनल पर, फिर उसके बाद माफ़ कीजिएगा, फिर जब मैंने दोबारा सिलसिले का आगाज किया है तो मेरा पहला जो टॉपिक था वो सैलाब ही था। और मेरी अपनी कोशिश ये थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के ह्यूमन एंगल्स पर और इन टॉपिक्स पर बात करूं जो कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से, पॉलिटिकल क्योस की वजह से वो इश्यूज दब रहे हैं, जो वाकईतन जिसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए, जिसका हल हमें ढूंढना चाहिए, तो मैं उन टॉपिक्स पर बात करूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ इस तरह की डेवलप होती हैं कि आपको फिर बात पॉलिटिक्स पर ही करनी ही पड़ती है। एंजेलिना जोली पाकिस्तान आई, उन्होंने सारी सिचुएशन को इस वक्त देखा, उन्होंने बैठ के बताया कि अगर फौरी तौर पर मदद नहीं की गई तो पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बड़ी तादाद में गॉड फॉरबिड बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जाने जाएंगी इस वक्त, बहुत बड़ी तादाद में औरतें, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं और मज़ीद अभी ठंडा मौसम आने वाला है, मज़ीद उनको सफ़र करना पड़ जाएगा, बहुत सारी अल्लाह ना करे लोगों की जाने जा सकती हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में इमदाद की ज़रूरत है। ये एंजेलिना जोली बात कर रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ना एक बड़ा शिकवा किया जाता है कि जी पाकिस्तान के लोग
पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेस इतने अच्छा काम करते हैं, इतना बेहतरीन काम करने वाले हैं, लेकिन उनको वो पजीराई या वो रिकग्निशन या वो मोहब्बत नहीं मिलती जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस को मिलती है, बॉलीवुड एक्टर्स को मिलती है, हॉलीवुड के लोगों को मिलती है। तो मैं भी यही सोचती थी कि हम अपने लोगों से मोहब्बत ज़्यादा करें ना भाई, हम अपने लोगों को प्रमोट करें। लेकिन जब अब मैं इस सिचुएशन पर पहुंची हूँ ना, तो मुझे यहाँ दुख ही हो रहा है। हम TVG कनाडा में जाके अवार्ड शो कर रहा है, पाकिस्तान में यहाँ पर इस वक्त ज़रूरत है कि आप जितनी ज़्यादा, हम सारी दुनिया से मदद मांगते फिर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के लिए कुछ इमदाद करें, और यहाँ से हम TV जिसमें सारे बड़े बड़े नाम उठ के कनाडा जा रहे हैं, वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस आ रही हैं, खूब वो मज़े से अपने वेकेशंस को इन्जॉय कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, शॉपिंग हो रही हैं, खूब फुल ऑन इन्जॉय हो रहा है ना अवार्ड शो के लिए, और दूसरी तरफ हम दुनिया से कह रहे हैं, और दुनिया की एक्ट्रेस आके पाकिस्तान में वो कह रही हैं कि जी बड़े बुरे हालात हैं, पाकिस्तानियों के लिए कुछ करें, और हमारी एक्ट्रेस और हमारे एक्टर्स जाकर, हमारे सिंगर्स जाके जी वो उस फंक्शन को एंजॉय करने के लिए यहाँ से टिकट कटा और स्ट्रेट टू कनाडा हो चुके हैं। किसी भी एक ने, मैंने नहीं देखा कि किसी भी एक ने इस बात पर एहतजाज किया हो, या हम TV के इस इवेंट का बॉयकॉट किया हो कि जी इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि आप अपने अवार्ड शो को वहां पर जाके लॉन्च करें। वो जितना भी आप पैसा है, अगर वाकई काश ऐसी नियत होती तो वो हम जो फ्लड रिलीफ के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी एक ने इस बात का मुजाहरा नहीं किया, किसी भी एक ने ये सोचा नहीं। मायरा खान साहिबा कहाँ हैं आप, फवाद कहाँ हैं आप, महविश हयात कहाँ हैं आप, हुमायूं सईद कहाँ हैं आप, बड़े बड़े नाम हैं, राहत फतेह अली खान साहब कहाँ हैं आप, आतिफ असलम कहाँ हैं आप, ये वो बड़े बड़े नाम हैं। जावेद शेख साहब इमरान खान साहब के टेलीथॉन में बैठे हुए थे, वैसे काश आपकी तरफ से एक वर्ड आ जाता, काश आप कह देते कि जी बॉयकॉट होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए, इसको पोस्टपोन करें, इसको आगे जाकर होना चाहिए। तो अजीबोगरीब किस्म के लोग हैं ना, दुनिया से हम कह रहे हैं कि जी हमें इमदाद दें, हमारी मदद करें, और हम खुद जो है वो जाके अपने अवार्ड्स फंक्शन जो है वो कनाडा में सेलिब्रेट कर रहे हैं, कनाडा में जाके बना रहे हैं। और ये कोई मैं और आप शायद हम तो कैलकुलेट भी नहीं कर सकें कि कितने अखराजात होते हैं। शायद ऐसे अखराजात थे कि हो सकता था कि जो 3.5 करोड़ है उसमें से 50,000 के लिए ही कोई आसानी हो जाती, अगर ये नियत होती, अगर ये करना चाहते। अफसोस का मकाम है। ये जितने भी मेरी फनकार बिरादरी है ना, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, जिनको बहुत मोहब्बत मिलनी चाहिए, जिनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलनी चाहिए, जिनका किरदार, जिनके मतलब हमारे बच्चे हैं ना, अब हमारी यंग जनरेशन हॉलीवुड के सॉन्ग्स पसंद करती है जी, बॉलीवुड का काम पसंद करती है, उनकी जबानों पर आप लोगों का नाम होना चाहिए। वो आपके गानों को सुने, आपके गानों को एंजॉय करें, आपकी मूवीज़ जाकर देखें, पाकिस्तानी सिनेमा में जो है ना आप लोगों की मूवीज़ देखी जाएं। लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे कि जब पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत हो तो आप उस ज़रूरत पर पूरा उतरें। अफसोस का मकाम है ये कि जितने भी हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसा नहीं है कि ये सब ये करते नहीं हैं, ऐसा कुछ हदीका ज्ञानी साहिबा मैदान में उतरी हुई हैं, किस तरह से वो जा रही हैं, कैसे वो लोगों के लिए काम कर रही हैं, और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे फ्लड रिलीफ के लिए, वो काम कर रहे होंगे, उनको तकलीफ भी हो रही होगी। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में आप सोचिए, अल्लाह माफ़ करे कि जब आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है, कोई मुसीबत आपके ऊपर आ जाती है, तो क्या आप अपने घर को छोड़कर कहीं और जाते हैं छुट्टियों पर कि जी घर में तो परेशानी आई हुई है, छोड़ो चलो कहीं चलते हैं। ये हमारे जो है ना इस वक्त फनकार बिरादरी ने किया है, अपने घर में परेशानी, अपने घर में सैलाब अजाब नाजिल हुआ हुआ है, और हम जो है वो उठ के चले गए फंक्शन में, और हम चले गए अवार्ड सेरेमनी में। यहाँ पर दूसरे मुल्क की जो है वो एक्ट्रेस आ गई, वो आकर बता रही हैं कि इतना बुरा हाल है, हमला खवातीन उनके पास जो है ना कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, सड़कों पर बैठी हुई हैं वो, और हमारी जो है वो खवातीन चली गई हैं, और वो इंजॉय कर रही हैं, अपनी पार्टीज इंजॉय कर रही हैं, अपने खाने इंजॉय कर रही हैं, अपनी बोटिंग इंजॉय कर रही हैं। हो सकता था, अगर चाहते तो ग्रेस का मुजाहरा हो सकता था, चाहते तो हम कह सकते थे कि जी थोड़ा सा रुक कर इसको आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हम इस सिचुएशन में नहीं है। जब आपके अपने घर में मुसीबत आई होती है तो आप कहीं और जाके अपनी छुट्टियों को एंजॉय नहीं करते, आप अपने घर में अपनी मुसीबत को फेस करते हैं, अपने लोगों के दरमियान जाते हैं। जब आपको अपनी फैमिली में मोहब्बत चाहिए होती है तो फिर उसके लिए आपको अपनी फैमिली का साथ देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप सब अपनी फैमिली को छोड़कर गए हुए हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अवार्ड को। बहुत बहुत मुबारक हो जी, जो जीत रहा है, जिसको जो अवार्ड मिल रहा है उसको अवार्ड की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद।
लेकिन ये भी आपके ऊपर हमेशा एक सवालिया निशान रहेगा कि जिस वक्त एंजेलिना जूली पाकिस्तान में थी, सैलाब मुतासरीन का दुख दर्द बांट रही थी, उस वक्त हमारे जो अपने बड़े बड़े नाम थे, हमारे जो सुपरस्टार्स थे, वो गए हुए थे अवार्ड सेरेमनी के लिए। अपना ख्याल रखिएगा एंड वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।